अरे डाया और ये आया ओप्पो रेनो का लोगो, यहाँ पे सिर्फ ओप्पो ही लिखा है। देख लेते हैं दोस्तों बॉक्स में हमें और क्या देखने को मिलता है। काफी लंबा है, जो बॉक्स जो होते हैं जो चौड़े होते हैं लंबे नहीं होते, लेकिन इसका बॉक्स देखिए काफी लंबा है। इसका बॉक्स हमें देखने को मिलता है, इसको भी निकाला साइड में। सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस तो है भाई, केस यहाँ पर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सब टीपीयू का खड़ा हुआ केस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने काफी 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 अच्छा केस दिया है। लगा के भी देखेंगे इसको, और यहाँ पर वही डिजाइन जो ओप्पो ने रखा है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। काफी हार्ड सा ये केस देखने को मिलता है, तो वेरी गुड। और यहाँ पर और भी कई चीजें हैं, देख लेते हैं कि ये फास्ट अडैप्टर ऑफ कोर्स वाली बात है। फास्ट अडैप्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस 5 वॉट 4 एम्पियर का ये एक क्विक चार्ज हमें देखने को मिलता है। वेरी गुड वाली बात हो गई है, क्या बात हो गई, वेरी गुड वाली बात हो गई। अब टाइप सी की यहाँ पर ऑफ कोर्स वाली बात है, मिलेगी हमें यूएसबी टाइप सी वाली स्पॉट। ओके, ये भी ऑफ कोर्स वाली बात है, जी हाँ टाइप सी भी हो गई। अब ये जो आईफोनिश टाइप का यहाँ पर पैकेजिंग में दिया हुआ है एक हेडफोन, काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का हो सकता है, इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते, लेकिन एक हेडफोन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो अपनी राना तो वो है, क्या बोल रहे Redmi Note 7, Redmi क्या तो बात है, क्या तो इसकी शाइन वाली बिल्ड क्वालिटी। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं बात रेनो की, ओप्पो की रेनो की, ब्लैक कलर में, काफी ग्लॉसी सा ये है ब्लैक कलर। यहाँ पे स्टिकर को हटा देते हैं हम बड़े ही आराम से। काफी देखिए जो कैमरा बम्प तो है ही नहीं दोस्तों, अंदर अंदर तक कोई भी जो कैमरा है वो इन बिल्ट हुआ है यहाँ पर। ये जो एक छोटा सा है इसका जो बम्प निकला हुआ है, बाकी यहाँ पर प्योरली ग्लास है, और प्योरली क्या तो बात है, क्या तो इसकी स्क्रीन, क्या तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पर ग्रीन कलर का एक बटन दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए। ऊपर यहाँ पर जो कि एक पॉपअप सेल्फी है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फी लेने के लिए काफी डिजाइन से उठती है, वो भी देख लेंगे हम बाद में। यहाँ पर ऊपर की तरफ सिर्फ वही कैमरा है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन और सिम ट्रे यहाँ पर है, देख लेते हैं कि ये ड्यूल सिम और प्लस मैक्रो एसडी कार्ड, ये सब चीजों को एक टाइम पे सपोर्ट करेगी कि नहीं। यहाँ पर जो स्पीकर का थोड़ा सा अलग डिजाइन दिया गया डिजाइन, यहाँ पर टाइप सी का स्पॉट, हेडफोन जैक, क्या बात है। फाइनली यहाँ पर जो ओप्पो रेनो ने यहाँ पर हेडफोन जैक को रखा है, तो एक माइक्रोफोन और बस। अब क्या बोलेंगे हम, चलो भाई आगे, और मैं आपको इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर पे ले चलता हूँ। तो आ गए हम इसकी फिंगरप्रिंट पे, जो कि इन डिस्प्ले वाला है, ऑफ कोर्स रेयर में नहीं है, तो मैं देख लेता हूं कि इसको भी 20 बार रखना होता है कि नहीं। शुरू कर देते हैं अपनी काउंटिंग 2। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी इन डिस्प्ले वाले देखे हैं सब में 20 बार रखना होता है ऐसे टचिंग में, और इसको भी 20 बार रखा होता है, कंटिन्यू बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी होम स्क्रीन में ले चलता हूं, क्या तो डिजाइन है ये कलर्स OS 6 का। तो स्टार्ट करते हैं हम, आप आएंगे इसकी होम स्क्रीन। दोस्तों ये आगे इसकी होम स्क्रीन, मैं सबसे पहले बेक करा रहा हूं, इसका जो पॉपअप सेल्फी वाला है इसको दबाया, हम कैमरे में गए, ओके यहां पर ओके करते हैं। अब इसके फ्रंट में चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैजिक होने वाला है अभी, काफी स्टाइलिश वाला, क्या बात है, देखा आपने, क्या तो बात है। एक बार फिर से करते हैं, ये वो चला गया अंदर, आपकी नजर यहां पर हो दोस्तों, ये काफी स्टाइलिश वाला मैंने देखा अभी तक जितने भी आए हैं, काफी 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 हो गया, काफी काफी स्टाइलिश दोस्तों ये मुझे देखने को लगा, जितने भी पॉपअप वाले आए हैं सबसे ज्यादा स्टाइलिश में लगा है ये ओप्पो रेनो का। अब एक बार फिर से क्या तो बात है दोस्तों। मैं अब चलता हूं इसके फेस आईडी की तरफ, कैमरा की फर्स्ट लुक की बात करें, कैमरा तो है भाई, लेकिन मैं आपको इसके फेस देख लेते हैं वो कैसे देखने को हमें मिलता है। ओके, हम आगे फेस आईडी की तरफ, तो कंटिन्यू कर दे, अब ये बोलेगा रखो, तो मैंने प्रॉपरली रख लिया और आपको भी प्रॉपरली नजर आया होगा। तो अब देख लेते हैं इसका फेस अनलॉक कैसे हमें देखने को यहां पर मिलता है। ओके दोस्तों, अब ये स्क्रीन बंद है, अब मैं बिल्कुल इसके सामने आता हूं, और मैंने पावर बटन को दबाया और इसका कैमरा ऊपर से ऑन हुआ और ये अनलॉक हो गया आपके सामने। एक बार फिर से करते हैं, ऑफ स्क्रीन, मैं हूं बिल्कुल सामने, पावर बटन को दबाया, ये ऊपर से कैमरा है या फटैक से, क्या तो बात है, क्या तो इसका फेस आईडी, फेस अनलॉक का जो स्टाइल है काफी कमाल है। आप देख लेते हैं कि जो इसका फिंगरप्रिंट है जो इन डिस्प्ले वाला है, एक बार फिर से
ठीक है, ये वैसा ही है जैसे हम टिपिकल देख रहे हैं शॉमी मी 9 में हो या फिर किसी और में हो। यहाँ पर अगर आपका फेस नहीं आएगा तो ऊपर से आ गया है, लेकिन मैं बिल्कुल छुपा हूँ इसलिए वो नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसका वो देख लेता हूँ, फिंगरप्रिंट इसका ओके है, नॉर्मल है जैसे देखने को हमें मिलता है। जो स्क्रीन की बात करें यहाँ पर जो बैक टू बैक स्क्रीन है, एक छोटा सा बेजल नहीं है हालांकि, एक बस वो देख रहे आप पट्टी छोटी सी यहाँ पर नीचे की तरफ जो चिन्ह है बहुत ही कम यहाँ पर रखी गई। आप सेटिंग में चलते हैं।